नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्स वेस्ट इंडीज के बीच में जो थर्ड T20 मैच खेला जाना है उसकी। और भाई, क्या मेरी टीम लेने वाली है इस मैच में, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और क्या होने वाला है इस मैच में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई, जो अभी जो लास्ट दो T20 मैचेस हुए हैं भाई, दोनों ही मैचों में आपके भाई ने बड़ा ज़बरदस्त धमाका करा है। और लास्ट जो T20 हुआ था उस मैच में मेरे मेंबर्स ने कम से कम, नहीं तो 100 से 150 मेंबर्स 1 लाख रुपए प्लस विनिंग्स करके बैठे हुए हैं। तो उनके रिजल्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। बाकी जो फर्स्ट T20 हुआ था उसमें तो स्मॉल लीग टीम से मैंने मिनी ग्रैंड लीग में क्लीन स्वीप किया था। दोनों ही मैचों के रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी उसके साथ ही साथ आज के मैच में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ में अपनी टीम भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, कि क्या आज के मैच में पिच रिपोर्ट रही। तो भाई, वेस्ट इंडीज में सीरीज चल रही है आपको पता ही होगा, और जहाँ पे लास्ट मैच हुआ था वॉर्नर पार्क में, उसी पिच पे आज भी मैच खेला जाएगा। और भाई, बॉलिंग विकेट है, देखा होगा आपने हर बॉलर्स को विकेट लेके गया था भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के, क्योंकि और मैंने भुवनेश्वर कुमार का बोला भी था वीडियो में भी, लाइव सेशन में भी, कि भाई भुवनेश्वर कुमार को मैं नहीं लेने वाला हूँ, मुझे लग रहा है भुवनेश्वर कुमार फ्लॉप होगा। और भुवनेश्वर कुमार एक लौता ऐसा बॉलर था जो फ्लॉप हुआ था। तो आज के मैच में क्या होगा भाई, बता ही दिया मैंने आपको, बॉलिंग विकेट है। और यहाँ पे क्या है भाई, स्पिनर्स, जितने स्पिनर्स खेलेंगे सब विकेट लेंगे, स्पिन फ्रेंडली विकेट है। आपने दोनों मैच देखे होंगे, दोनों मैचों के आप स्कोर कार्ड खोल के देख लो, ड्रीम टीम खोल के देख लो, दोनों मैचों में जितने भी स्पिनर खेले सब ड्रीम टीम में आए। हालांकि वेस्ट इंडीज की तरफ से एक ही स्पिनर खेल रहा अकील हुसैन, और दोनों मैचों में अच्छा किया अकील हुसैन ने। इंडिया की तरफ से जडेजा ने हाल में दोनों मैचों में विकेट लिए, अश्विन ने दोनों मैचों में विकेट लिए, बिश्नोई पहला मैच खेला था उसमें विकेट लेके गया था। तो भाई, इस मैच में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, स्पिनर जितने खेलेंगे वो तो विकेट लेंगे ही लेंगे, साथ में जो डेथ ओवर्स में फास्ट बॉलर बॉलिंग डालेंगे उनको भी अच्छे खासे विकेट मिलेंगे इस मैच में, क्योंकि भाई बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, बॉलर्स का बोलबाला है बल्लेबाजों की, यहाँ पे कुछ नहीं बल्लेबाजों के लिए। पहले मैच में सिर्फ रोहित शर्मा चला था, दूसरे मैच में सिर्फ ब्रेंडन किंग चला, तो समझ सकते हो आप एक एक बल्लेबाज चल रहे हैं, बाकी पूरे बॉलर चल रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, आपको इतना ध्यान में रखना है, जितने ज़्यादा बॉलर आप ले सकते हो ले लो। और मैं बता दूंगा आपको मैं कौन कौन से बॉलर लेने वाला। तो ये हो गई पिच रिपोर्ट, अब बात कर लेते अपन टीम की, क्या मेरी टीम लेने वाली। तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे भाई। ड्रीम इलेवन पे मैं आपको टीम भी बना के दिखा दूंगा, और जो लास्ट मैच के रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन तो हो गया है ड्रीम इलेवन, अब मैं आपको लास्ट मैच के सबसे पहले रिजल्ट दिखाता हूँ। कल जो मैच हुआ था सबसे पहले उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। 19 contests मैंने लगाए थे, और 19 के 19 मैंने वन साइडेड क्लीन स्वीप करे हैं। ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम थी। ओबेद मकोई मेरा पूरी विश टीम में था, और ओबेद मकोई का मैंने लाइव सेशन में भी बोल दिया था क्लियरली कि भाई ओबेद मकोई विकेट लेगा ही लेगा, ओबेद मकोई ने विकेट लिए ही लिए। ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, देख सकते हो आप। ब्रेंडन किंग किसी के पास में नहीं था भाई, ब्रेंडन किंग को मैं स्मॉल लीग में भी लाया था, दिखाता हूँ आपको, ये तो ग्रैंड लीग की। अब मैं आपको अपनी स्मॉल लीग दिखा देता हूँ, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। जडेजा को किसी ने नहीं लिया था, मैंने कैप्टन बनाया था। ओबेद मकोय ओनली 40% लोगों था, और स्मॉल लीग में बहुत ही कम लोग लेके आए थे, एक तरफा मैच गए। ब्रेंडन किंग किसी के पास में नहीं था, देख सकते हो आप, ब्रेंडन किंग किसी के पास में नहीं था, सिर्फ मैं लेके आया था, सब लोग कायल मार्क्स के साथ में थे। एक भी मेरा ऐसा प्लेयर नहीं है, सिर्फ रोहित शर्मा को छोड़ के सभी मेरे प्लेयरों ने पॉइंट लिए। स्मॉल लीग में लिया था मैंने रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को मैंने ग्रैंड लीग टीमों में नहीं लिया था,
और रोहित शर्मा का भी मैंने लाइव सेशन में बोला था कि भाई रोहित शर्मा फ्लॉप है, भुवनेश्वर का बोला था भुवनेश्वर फ्लॉप है, भुवनेश्वर मेरी सिंगल टीम में भी नहीं है, तो ये तो लास्ट मैच का रिजल्ट है। और ये ऑस्ट्रेलिया वुमन वर्स वेस्ट इंडीज वुमन का मैच है, वुमन के मैच भी मैं सभी कवर कर रहा हूँ। 20 कॉन्टेस्ट लगाए थे, 20 के 20 एक तरफा क्लीन स्वीप करे हैं वुमन मैच में, और इस मैच में आपके भाई ने मिनी ग्रैंड लीग भी विन करी थी, दिखा देता हूं मैं आपको। ये 9999 कॉन्टेस्ट में आपका भाई फर्स्ट आया था, पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए मिला था, और स्मॉल लीग टीम से मैंने मिनी ग्रैंड लीग विन करी थी। ये वुमन मैच की टीम है भाई, जो भी मेरी विनिंग होती है मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। अगर आपको मेरी पूरी मैचों की विनिंग देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ। अब मैं आपको पहला जो T20I मैच था उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। 35 कॉन्टेस्ट मैंने लगाए थे, 35 में से 35 कॉन्टेस्ट एक तरफा अल्ट्रा मेगा बैलेंसशिप करे थे इस मैच में भी मैंने, और इस मैच में स्मॉल लीग टीम से मिनी ग्रैंड लीग विन करी थी। ये मेरी टीम थी, बिश्नोई किसी के पास में नहीं था, अर्शदीप सिंह किसी के पास में नहीं था, ना ही किसी के पास में अश्विन था, ना जडेजा किसी के पास में था, ना अकील हुसैन को कोई लेके आया था। इन सभी प्लेयर जो दिख रहे हैं आपको नीचे के भाई किसी के पास में नहीं थे, ही आपका भाई लेके आया था। चलो अब मैं आपको सिलेक्शन दिखाता हूँ, देखिए रवि बिश्नोई 26%, अर्शदीप सिंह 29%, मेरा वाइस कैप्टन अकील हुसैन 32%, रविंद्र जडेजा 27%, अश्विन 40%। इस मैच में मैंने स्मॉल लीग टीम से मिनी ग्रैंड लीग विन करी थी, वो भी बिना रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा इस मैच में कैप्टन बना था जबकि बिना रोहित शर्मा के। तो ये थे भाई लास्ट दोनों T20I के मैच और वुमन का रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आज के मैच की। आज के मैच में मैंने टीम तो बना के रखी, आपको बता देता हूँ क्या मेरी टीम है। अच्छा उससे पहले आपको बता दूं कि भाई जितने भी ग्रैंड लीग के मिनी ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट आए थे सब आपके भाई ने लगा दिए हैं, सब तो लगाए, साथ में जो 9999 का आया था उसमें भी मेरी 11 टीमें लगी, देख सकते हो आपके सामने है। सब के सब जितने आए थे सब मैंने लगा दिए हैं सेम। अच्छा अब बात कर लेते हैं टीम की। विकेट कीपर सेक्शन में पूरन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, डेवन थॉमस चारों खेलने वाले हैं। इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत विकेट कीपरिंग करेगा, वेस्ट इंडीज की तरफ से डेवन थॉमस विकेट कीपरिंग करेगा, और भाई पूरन बॉलिंग नहीं डाल रहा, और अगर इंडिया की तरफ से अगर लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे रहेंगे तो पूरन बॉलिंग डालेगा, तो वैसे कमी चांस है कि बॉलिंग डाले क्योंकि इंडिया में लेफ्ट हैंडर ज्यादा है नहीं। ऋषभ पंत और जडेजा है तो दोनों बहुत, एक तो टॉप ऑर्डर में बल्ले आज कर, एक तो बिल्कुल डाउन सातवें आठवीं में आता है, ठीक है जडेजा, तो मुश्किल ही है कि पूरन बॉलिंग डाले। तो मैं बताता हूँ आपको विकेट कीपर से मैं किसको लेने वाला हूँ। देखो भाई दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर डाउन है, डेवन थॉमस का बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है, तो सबसे सही मेरे को यहाँ से ऋषभ पंत लग रहा है, ऋषभ पंत के साथ में जाने वाला हूँ। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेगा, साथ में क्या है कि लेफ्ट हैंडर है और वेस्ट इंडीज की टीम में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है, तो भाई ऋषभ पंत इस मैच में धमाकेदार इनिंग खेल सकता है, ऋषभ पंत लूंगा मैं। अब आया हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, शिमरन हेटमायर, रोमेन पोवेल, काइल मायर्स, ब्रेंडन किंग, श्रेयस अय्यर, ये सभी खेलने वाले हैं, और श्रेयस अय्यर को हो सकता है इस मैच में रेस्ट दिया जाए, श्रेयस अय्यर की जगह पे दीपक हुडा को मौका दिया जा सकता है, बाकी सब प्लेयर खेलने वाले हैं, बस एक चेंज हो सकता है। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ मैं किस किस को लेने वाला हूँ। देखो भाई मैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ब्रेंडन किंग, इन्हीं तीन बल्लेबाज के साथ में जाने वाला हूँ, इनके अलावा मैं किसी को भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ से शिमरन हेटमायर का बैटिंग ऑर्डर कितना डाउन है, काइल मायर्स लेफ्टी है तो अश्विन आउट कर देगा, रोमेन पोवेल का फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म बिल्कुल, T20I में श्रेयस अय्यर नहीं चलता और चांस ही नहीं कि कल इस मैच में मौका मिले, तो श्रेयस अय्यर को भी मैं नहीं लेगा, तीन ही बल्लेबाज लूंगा। और भाई क्या है कि बॉलिंग विकेट है तो जितने ज्यादा बॉलर्स हो सके उतने ज्यादा बॉलर्स आप लो,
और मैं बताता हूँ मैं कौन कौन से बॉलर लेने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, जेसन होल्डर है। भाई तीनों ही अच्छे रहने वाले हैं और तीनों ही अपने पूरे पूरे ओवर बॉलिंग डालने वाले हैं और तीनों के पास में बल्लेबाजी का भी मौका रहने वाला है। क्या है कि भाई देखो दोनों टीम से विकेट तो जाएंगे और दोनों टीम से विकेट जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर में जो भी बैटिंग करेंगे उनको अच्छा मौका रहेगा और साथ में बॉलिंग भी डालने वाला है। तो भाई हार्दिक पांड्या को भी मैं लेने वाला हूँ, रविंद्र जडेजा को भी मैं लेने वाला हूँ, जेसन होल्डर को भी मैं लेने वाला हूँ। जेसन होल्डर अपने पूरे ओवर डाल रहा है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी डाल रहा है, हमेशा हर मैच दोनों मैचों में विकेट लिए हैं और पहले मैच में वन डाउन बैटिंग पे भी आया था। तो भाई तीनों ऑलराउंडर तो मस्ट पिक है इस मैच में, तीनों के साथ में जाने वाला हूँ। अब आया था मैं बॉलिंग सेक्शन में। बाकी यहाँ से अगर हुडा खेलता है तो हुडा को भी मैं ले लूंगा, हुडा बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, ठीक है, वन डाउन बैटिंग करेगा, ध्यान रखना। अगर हुडा खेलेगा तो बिल्कुल आग बंद करके ले लेना, मैं भी लूंगा। अब आया था मैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार को आज भी मैं ड्रॉप करूंगा। ओवेद मकोई को मैं लेने वाला हूँ। ओवेद मकोई का भाई मैंने आपको बताया था कि ये बंदा हमेशा विकेट लेता है। आईपीएल देख लो, आईपीएल के बाद में T20 ब्लास्ट खेला, लगातार दोनों मैचों में 5-5 विकेट लिए थे और दोनों मैचों में मैंने कैप्टन बनाया था उनमें T20 ब्लास्ट के। उसके बाद वेस्ट इंडीज में खेला, वहाँ भी विकेट लिए। ये बंदा हमेशा विकेट लेता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी डालता है। और मान के चलो अभी कि वेस्ट इंडीज की टीम से मेन बॉलर अगर कोई है तो ओवेद मकोई है, ओवेद मकोई मेरी टीम में रहेगा। अश्विन को लेने वाला हूँ मैं। अश्विन भाई विकेट लेस नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में लेफ्ट हैंडर्स इतने ज़्यादा हैं और अश्विन लेफ्ट हैंडर्स को टिकने ही नहीं देता है, आता है और उड़ा देता है। तो अश्विन तो मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा। पूरन को दो मैचों में दोनों बार आउट करा है और इस मैच में भी पूरन का विकेट आराम से ले सकता है। पूरन का नहीं तो काइल मायर्स का लेगा, काइल मायर्स का नहीं तो शिमरन हेटमायर का लेगा, उसका भी नहीं तो अकील हुसैन का लेगा। इतने सारे लेफ्ट हैंडर हैं और विकेट स्पिन फ्रेंडली है, एक एक स्पिनर विकेट ले रहा है, हर मैच में स्पिनर विकेट ले रहा है। अकील हुसैन को भी मैं लेने वाला हूँ भाई। वेस्ट इंडीज की टीम से ओबेद मकोई, अकील हुसैन, जेसन होल्डर, इन तीन प्लेयर को आप पूरी इस टीम में लेके चलो, ये आपको पॉइंट दिलाएंगे। अकील हुसैन बैटिंग भी करता है और क्या है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इंडिया की टीम में राइट हैंडर्स बहुत ज़्यादा है। तो भाई अकील हुसैन को विकेट मिलना लगभग लगभग कन्फर्म मान के चलो आप। अर्शदीप सिंह को मैं लेने वाला हूँ, टीम मेरी बन चुकी। और भाई अर्शदीप सिंह ऐसा बंदा है, इसका आप आईपीएल देख लो, आईपीएल में हर मैच में विकेट लेता था, फिर उसके बाद में T20 ब्लास्ट की दो टीमों के साथ में मौका मिला खेलने का, भाई दोनों मैचों में कैप्टन बना है और दोनों मैचों में दो दो विकेट दिलाया बंदे ने मेरे को, कोई भी नहीं लाता था, मैं लेके आता था। फिर उसके बाद में डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाफ, पहले ही मैच में पहला ओवर मिडिन ओवर डाला और पहले ही मैच में दो विकेट लिए। भाई उस दिन उसका 11% सिलेक्शन था, किसी के पास में नहीं था, मेरे पास था, मेगा क्लीन स्वीप किया था उस मैच में। फिर उसके बाद में फर्स्ट T20 मैच खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिसेंटली, दो विकेट लेके गया। लास्ट मैच खेला एक विकेट लेके गया, हमेशा अपने पूरे 4 ओवर डालता है। और भाई ये बंदा मान के चलो इंडिया का फ्यूचर स्टार है, तो भाई इसको तो मैं हमेशा ले ही रहा हूँ और आईपीएल के टाइम से मैं हर मैच में इसको लेता ही हूँ। तो टीम तो मैं बना चुका हूँ, बाकी भाई यहाँ से अगर हर्षल पटेल खेलता है तो ले लेना, कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। अगर टीम में कुछ चेंजेस होंगे तो उसकी फाइनल अपडेट आपको मेरे लाइव सेशन में भी मिल जाएगी, लाइव सेशन में बता दूंगा अगर कोई चेंजेस होगा तो। ये मेरी टीम है, अब बात कर लेते हैं CVC की। तो भाई कैप्टन में फिर से रविंद्र जडेजा को बनाने वाला हूँ। जडेजा अपने पूरे ओवर गेंदबाजी करेगा प्लस बैटिंग भी करने वाला है और मैंने आपको बता दिया बॉलिंग विकेट है तो जडेजा की बैटिंग भी मान के चलो लगभग कन्फर्म है कि बैटिंग आएगी। वॉइस कैप्टन अगर आप चाहो अकील हुसैन को बना लो, रविचंद्रन अश्विन को बना लो। और भाई मैं इस मैच में वॉइस कैप्टन बनाऊंगा अश्विन को। तो भाई ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, अश्विन का मैंने बता ही दिया लेफ्टियो को आउट करेगा और वेस्ट इंडीज में लेफ्टियो की भरमार है, प्लस क्या है अश्विन की बैटिंग आ रही तो बैटिंग से भी रन मार रहा है। तो भाई ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो उसकी फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
और क्या है कि भाई कभी कभी लिंक वर्क नहीं करती, तो उस कंडीशन में आप टेलीग्राम पे जाके @SMSHThakre सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। पर हाँ, ध्यान से कि यही लिंक होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देते हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हो तो आपको मेरा चैनल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना कि यही होना चाहिए लिंक। और एक चीज़ और है कि भाई अभी यार आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप इतनी अच्छी टीम कैसे बनाते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे आपने अभी तक के 90 ग्रैंड लीग्स विन करे, ये सब मेरे पास में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वो वीडियो आप देख लो। मैं बता रहा हूँ सारे सवालों के जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। सब कुछ बताया मैंने, कैसे मैं खेलता हूँ, कैसे मैं ग्रैंड लीग्स टीम बनाता हूँ, कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सब कुछ मैंने बताया। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ भाई, एक चीज और है, हर वीडियो में अभी मैं गिव अवे करवा रहा हूँ। गिव अवे ऐसा रहता है कि 1 से लेकर 10 कमेंट, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 10 टॉप कमेंट वालों को मैं गिव अवे प्राइज देता हूँ। तो गिव अवे प्राइस क्या रहता है, गिव अवे कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो बस जैसे वीडियो पोस्ट करो आप लोग कमेंट करो और गिव अवे लेके जाओ अपना। टेलीग्राम पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसा क्या गिव अवे रहता है और जो भी गिव अवे का अनाउंसमेंट रहता है टेलीग्राम पे करता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आपकी विनिंग।